इसको घुमाना नहीं, अगर ये घुमा दिया तो दोबारा लेना पड़ेगा। टिकट्स लेंगे और देखते हैं कि हमें कब से ट्रेन फौरन मिल जाती है हर 15 में। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? तो आज की वीडियो में मैं जाने लगी हूँ ऑरेंज ट्रेन पे, अनारकली हम लोग जाएंगे। तो वीडियो जो स्टार्ट मैंने घर से ही कर दी है, तो अब मैं साथ के साथ आपको सारी वीडियो बताती हूँगी कि हम लोग कहाँ कहाँ गए, हम लोग कहाँ, हम लोगों ने स्टॉप किया, कहाँ से हम लोग बैठे, जो कुछ भी। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अच्छे अच्छे से कमेंट करें। खैर, अब जो है घर से निकलने की तैयारी करते हैं। बाहर जो है ड्राइवर वाला आ चुका है, मैं बैग शैग उठाती हूँ और घर से निकलती हूँ और आगे जो कुछ है मैं आपको दिखाती हूँ। आप लोगों ने मेरे साथ साथ रहना, मेरी पूरी वीडियो को वॉच करना। हम लोग ऊपर जाने लगे हैं, फिर आगे जाके टिकट्स देंगे और देखते हैं कि हमें कब से ट्रेन से ट्रेन फौरन मिल जाती है हर 15 मिनट बाद यहाँ पर ऑरेंज ट्रेन गुजर रही है। और ये रहा सारा ट्रेन का स्टॉप। इसको घुमाना नहीं, अगर ये घुमा दिया तो दोबारा लेना पड़ेगा, इसलिए इसका आपने खास ख्याल रखना है। और इस वक्त ये एक ऑरेंज ट्रेन यहाँ पर रुकी हुई है, लेकिन अभी तक हम लोगों की मिली नहीं है। टाइम लिखा हुआ था इधर, 2 मिनट में आ रही है मेरे ख्याल से। और इधर ना अनाउंसमेंट हो गई है कि ट्रेन आने वाली है और ट्रेन आ गई है। मैं बंदे जाके बैठूंगी ट्रेन में, बात करता हूँ। जो है ये बंद पड़ी हुई है और इधर स्टेयर से जाना पड़ेगा। चल गई आ जाओ। अम्मी कहती है जितनी ये स्लो खुद चलती है ना, मैं खुद चल के चली, लेकिन मैं नहीं जाती। इधर हम पहुंच गए स्टेशन पे, यहाँ का स्टेशन मुझे बहुत पसंद है। ये बिल्कुल मेरे बैक साइड पे स्टेशन है और ये बैक का सारा व्यू बहुत ही अच्छा है यहाँ का। इस साइड से निकलते हैं। मैं इधर ना दूसरी तीसरी दफा आ रही हूँ, लेकिन आज तक हम लोग इधर गए नहीं है। ये क्या सोसाइटी बनी हुई है। और ये जो है ना ऑरेंज ट्रेन, मतलब अनारकली का जो स्टेशन है उसके बैक साइड पे हम लोग आए हैं। यहाँ पर मस्जिद वगैरह बनी हुई है और पता नहीं आगे क्या एरिया है। और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया, हवा चल रही है। जब मैं घर से निकली थी उस वक्त बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी और घर से निकलते निकलते मुझे भी काफ़ी लेट हो गया था, इसीलिए हम लोग लेट निकले ताकि ये जो धूप है ना कम हो जाए। मुझे पता नहीं क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अभी कह देंगे एक्सक्यूज़ मी मैम, यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। और सर किसी को यही आता है देखा। इधर से हम लोग ना और उधर से निकल के पैदल आए हैं फूड स्ट्रीट। फूड स्ट्रीट में अभी तक तो मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जिसे देख के मैं कहूँ कि मुझे इसे खाना चाहिए। इधर ही प्लेट में दे दें आप, इसमें डिप करते हैं और फिर इसमें Thank you.
हमारे सामने हाफिज जूस कॉर्नर। एक दफा मैंने इसका जूस पी लिया था, मुझे इतना कोई बुरा लगा, पता नहीं इसके पास इतना रश क्यों लगा रहता है, बात मुझे आज तक समझ नहीं। जब गुजरो इतना रश, जब गुजरो इतना रश, और बिल्कुल फजूल किस्म का। उससे अच्छे 100 रुपीज के मोमोज थे, बहुत ज्यादा टेस्टी थे, उनके सॉस बहुत ही अच्छे थे। और मेरा इस वक्त जूस पीने को बहुत दिल कर रहा है, मैं आगे देखूंगी बाजार में अगर कोई दूसरा नजर आए तो। और इधर से जो है सारा बाजार शुरू हो गया है, लड़कों की पैंट्स वगैरह और शर्ट वगैरह स्टार्टिंग है, और अंदर जाके जो है प्रॉपर बाजार है, ज्वेलरी वगैरह जो भी है। और मुझे इधर एक जूस कॉर्नर मिला, यहाँ से मैंने फालतू का जूस बनवाया बैठ के, वो क्योंकि गन्ने का जूस भी कितने का था, 70 का, और फालतू का भी मैंने फालतू का बनवाया है। दिल जैसे मेरा दोनों तरफ था कि मैं गन्ने का भी पीऊँ और फालतू का, तो देखिए कैसे फालतू का ज़्यादा अच्छा है, तो देखते हैं कि कैसा बनता है। इधर जो है जूस आ गया फ्रेश। आज हमारा यहाँ आने का मकसद ये था, एक तो हमने ऑरेंज ट्रेन में बैठना था और दूसरा हमने अनारकली से चीज़ें खानी थी। अभी हमारे भटूरे रहते हैं, वो हम जब वापसी पे जाने लेंगे दूसरी साइड से, उनका मुझे रास्ता नहीं पता, फिर वहाँ से वो ट्राई करेंगे। वैसे मुझे भटूरे पसंद नहीं है, लेकिन सुना है अनारकली के भटूरे बहुत मज़े के होते हैं, तो आज खा के ट्राई करके बताऊँगी। जी वो सबसे ऊपर वाला, इसे ऊपर वाला। इसकी क्या प्राइस है? 2000। और ये जो येलो मस्टर्ड ब्लू वाले लगे हैं 1500 में देते, ये भी ले। और इधर हम लोग एंटर हुए बाजार, बाजार में से काफी ज्यादा। ये कितने की हैं? ये 750 रुपए का। 750 का ये वाला दिखाएंगे इधर। रेट 950 है मल्ली के लिए। और ये वाला? ये 550 का। फिर जो इधर मैं आई हूँ बाजार। इसके बाद हम लोग गए बाजार, बाजार से मैंने कुछ लेना तो नहीं था, बाजार में जुलझे वगैरह देखी। अब वहाँ से निकल के हम अनारकली के फ्रंट पे जाएंगे जहाँ पर भटूरे लगे हैं, भटूरे वगैरह ट्राई करेंगे, उसके बाद देखते हैं कहाँ जाते हैं। ठंडा पानी होगा दे दीजिए। मुझे आज तक ये बात नहीं समझ आई, भटूरा गर्म होता है और चने ठंडे होते हैं, ये क्या हुआ, ये क्या बात है, चने भी गर्म होने चाहिए। दो भटूरे और चने 140 में यहाँ पर मिले, जिनका टेस्ट अच्छा है, लेकिन मैं इस वक्त चल चल के बस में पड़ी, क्योंकि हम लोग स्टेशन से निकले, वहाँ से निकल के सीधा पैदल 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 चल हम लोग इधर तक पहुँचे। और रात्रि भी देखें हम कहाँ से निकलते हैं, या यहीं से वापस जाएंगे या यहाँ से ऑटो करवा के वापस जाएंगे। कहाँ जाना है? यही है इधर जो मैं ऑरेंज ट्रेन के स्टेशन पर पहुँच गई हूँ, और वहाँ से निकलते बाद में वीडियो बनाने लगी थी। मेरे साथ क्या हुआ, एक आंटी हम कहते हैं कि आप टाइम बताओगे, मैंने उन्हें टाइम बताया और उन्होंने ना साथ ही मुझे कहते हैं अपना बैग आगे कर लो, और मैं इतनी पागल हूँ, मैं उनकी बातों में आ गई हूँ, मेरा बैग ठीक करने लगी, तो उसे एकदम से शायद ना उनको कोई मसला है, कोई काम है उनसे, आप मेरा बैग लेना चाहती हैं। तो उसके बाद मैंने बैग ला के क्या, मैंने कहा नहीं ठीक है, मैं कंफर्टेबल हूँ, आप मेरी टेंशन है, बट अभी मेरा बैग भी छोड़ दिया था, मेरा मोबाइल भी और सब कुछ, और मेरी मम्मा ने मेरी बड़ी लॉन्ग टर्म कर ली थी। तो फाइनली इधर हम लोग बड़ी स्टेशन पर आ गए, और हमने पॉइंट वगैरह लेके हम 10 मिनट पहले बाद भी लेंगे, क्योंकि ना अभी हम लोग पहुँचे हैं और जल्दी जल्दी में उठे जाएँ दिल्ली वगैरह। और इधर जो है हमने जहाँ से वीडियो शुरू की थी वहीं पर हम लोग आ गए हैं वापस।
यहाँ से हम ऑटो लेंगे और अपने घर वापस जाएंगे, क्योंकि ये सबसे करीब लगता है मेरे घर से स्टेशन। जाते हुए मैं फिर भी थोड़ा बहुत टाइम लगा था, वापसी में तो बिल्कुल नहीं पता चला कि हम फ़ौरन ही हमारा जो स्टॉप है वो आ गया था, क्योंकि हम लोग बैठे थे लक्ष्मी चौक से और उतरे हैं इस्लामपुरा, और जाते हुए हम लोग बैठे थे इस्लामपुरा से और पहुँचे थे अनारकली का सफ़र जो है ना बड़ी जल्दी, तो थोड़ी ट्रेन का सफ़र ना बड़ी जल्दी निकल जाता है क्योंकि ट्रैफिक की वजह से नीचे रास्ते ब्लॉक होते हैं, ऊपर बिल्कुल साफ है। आ चुकी हूँ वापस आपके फोन से, छोड़ते बैठूँगी तो ये था हमारा आज का छोटा सा व्लॉग ऑरेंज ट्रेन पे, जो कि मुझे बड़ा था कि मैं ऑरेंज ट्रेन पे अनारकली जाऊँ और भटूरे खा के आऊँ, और मैं अच्छी खासी थक चुकी हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ता है उधर जा। लेकिन आज का जो दिन है वो काफ़ी ज़्यादा मेरा अच्छा गुजरा, मुझे मज़ा आया। सुबह से काफ़ी तेज़ धूप थी लेकिन जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो हवा चल रही थी और अच्छा मौसम था, और घूमने फिरने का और खाने का भटूरे मज़ा आया। इसी के साथ जो मैं अपने व्लॉग को इधर एंड करती हूँ, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें, और इसके अलावा मुझे इंस्टा पर भी फॉलो करें। अब आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।